हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं फ्राई इडली बनाने जा रही हूँ। उसके लिए चावल और उड़द का घोल, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, एक हरी मिर्च, करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, जलजीरा पाउडर 1/4 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और तड़का लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल या घी। 3 भाग चावल और 1 भाग उड़द को अलग अलग भिगा कर पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लिया और उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया। रखने से फर्मेंट हो जाता है। अब इस घोल में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको मिला देंगे। टमाटर और शिमला मिर्च एक बाउल में निकाल लें। हरी मिर्च और 1/2 हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार लें, मिलाकर रख लें। इडली स्टैंड में हल्का सा ऑयल लगाएं। गैस ऑन कर कुकर में 1 गिलास पानी डालें। जब तक ये गर्म होता है, स्टैंड में थोड़ा थोड़ा सब्जी डाल दें और ऊपर से बैटर डाल दें। कुकर का पानी उबल चुका है, हाफ निकलने लगा है। स्टैंड को कुकर के अंदर रख दे, ऊपर से ढक्कन डाल दे। 2 मिनट में यह पककर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। 2 मिनट बाद चेक करें। चाकू बिल्कुल साफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। सेकेंड छोड़ दे, ठंडा होने दे, उसके बाद इसमें से निकाल दे। इस तरह से निकाल दे। दोबारा से तेल अच्छे से लगाकर फिर से इसी तरह से भरे और सारे इडली इसी तरह से बनाकर रख ले। पैन में 1 चम्मच घी डालें। जब घी गर्म हो जाए, राई डाल दें, हरी मिर्च डाल दें। राई और मिर्च चटक चुका है। अब इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जलजीरा पाउडर इसमें डाल दें। फटाफट इसको मिलाकर इडली डाल दें। गैस का फ्लेम धीमा रखें। इस तरह से मिलाकर 30 सेकंड तक इसको भूनेंगे, इसमें फ्राई करेंगे। 1 चुटकी नमक मसाला के लिए। 30 सेकंड बाद गैस ऑफ करें, हरा धनिया से गार्निश करें। इस तरह से इडली बनाइए और अपने बच्चों को लंच में, ब्रेकफास्ट में, जब भी मन करे आप पूरी फैमिली एंजॉय करे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।